काफी प्रभावित और अपनी मांग को लेकर पिछले दिनों अनशन शुरू किया। आपको बता दें कि प्रभावित सरदार सरोवर बांध से डूब में आते तो हैं, लेकिन प्रशासन ने पिछले दिनों इन्हें डूब से बाहर बताकर इन 15 परिवारों को न जीने में छोड़ा है न ही मरने में। पूरे गांव को पुनर्वास में शिफ्ट कर दिया गया है, मगर यह 15 परिवार आज भी मूल गांव में आस लगाकर बैठे हैं। जिन्हें 5,80,000 का अनुदान दिया जाना बाकी है, वही प्लाट भी अभी तक नहीं मिला है। बारिश सर पर है और पिछले वर्ष भी इन्हीं परिवारों के कुछ घरों में पानी भर गया था, बावजूद इसके इन्हें डूब में नहीं माना। अब उनके मकानों के सामने 7 फीट ऊंची दीवार बन रही है, जिससे उनके घर के रास्ते बंद हो जाएंगे और इन परिवारों का कोई रास्ता नहीं होगा, जिसके चलते उन्होंने कुक्षित तहसील के ग्राम कड़माल में गुरुवार को क्रमिक अनशन शुरू किया। इस अनशन का आज चौथा दिन है। रोज इस क्रमिक अनशन में 5 महिलाएं 24 घंटे तक अनशन करती हैं और अगले दिन फिर दूसरी महिलाएं। इस प्रकार डूब प्रभावित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज क्रमिक अनशन के चौथे दिन तक किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। वहीं NVDA के अधिकारियों का कहना है कि इनका प्रकरण 2017 में भेजा जा चुका है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब आते ही इनका निराकरण कर इनको लाभ दे दिया जाएगा। हम ये क्रमिक अनशन पे इसलिए बैठे हैं कि हमको शासन ने 5,80,000 का पैकेज नहीं दिया, ना प्लाट दिए। हमारा जो घर है वो कुछ पुल में डूब रहे है, प्रभावित हो रहे पुल से, कुछ रोड से प्रभावित हो रहे, कुछ डूब से प्रभावित हो रहे। आज तक ना प्लाट दिया ना 5,80,000 की सुविधा दिए, अब हम कहाँ जाए? कोरोना में हमको किसी के घर कोई आने नहीं देता, अब हमने जाना क्या, कहाँ जाना? इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं।